नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 घंटे के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग जेमिनाई यानी मिथुन राशि। देखते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके बारे में आपका क्या फीलिंग्स है और वो क्या सोच रहे हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन हमेशा 24/7 आप ही के बारे में सोचते हैं। वो चाहकर भी ये रिश्ता ये प्यार वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। उनको हमेशा लगता है ये रिश्ता हमेशा उनके जहन में रहता है, ये प्यार रहता है। वो चाहते हैं कि आप लोगों के पुराने दिन वापस आ जाए, जैसे आप पुराने दिनों में प्यार से रहते थे, अपना प्यार एक दूसरे को बताते थे। इसीलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप उनके बच्चों की माता या पिता पहले से ही हो तो भी वो बच्चों को भी साथ चाहते हैं, और अगर नहीं हो तो बच्चों की माता पिता बनना चाहते हैं, मतलब एक कंप्लीट परिवार चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं बाय हुक एंड क्रूक कुछ भी करके ये रिश्ता आपके साथ, उनका जो रिश्ता है ये सही हो जाए और इस रिश्ते में वो पुराने दिन वापस आ जाए। वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रहा है, आप गुस्से में हो तो भी वो चाहते हैं कि आपसे किसी भी तरह से बात करके दोस्ती से रिश्ते को शुरू किया जाए। यही उनकी करंट फीलिंग्स है। वो आपको भूल ही नहीं पाते हैं। जब भी वो अपनी आँख बंद रखे या खुला रखे कुछ भी करे, हमेशा आप ही दिखते हो उनको। और ये रिश्ता ये प्यार ये सब कुछ वो किसी भी तरह से आपको छोड़ना या फिर आपसे दूर रहने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बापरे, जस्टिस, एस ऑफ सोर्स, आप खुद को हील करना चाहते हो, आप पुरानी परेशानी खत्म करना चाहते हो, आप रिश्तों में क्लैरिटी चाहते हो, आप रुकना चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो। क्या उन्होंने आपके साथ क्या कुछ गलत किया है? अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप चाहते हो आपको न्याय मिले। अगर उन्होंने आपको परेशान किया है तो आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले। आप मेहनत करना चाहते हो, खुद की पैरों पर खड़ा होना चाहते हो और रिश्तों पर भी मेहनत करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपने आप के लिए खड़ा होना चाहते हो। आप चाहते हो जितनी परेशानी है रिश्ते में ये सारे परेशानी चले जाए, और आपको रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, और आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको जस्टिस चाहिए। आपको लगता है कि आपके साथ ना इंसाफी हुआ है, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, जिसके लिए आपको जस्टिस मिलना चाहिए। आप ये भी चाहते हो कि अगर इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़े तो भी आप राज़ी हो, लेकिन आप बिना जस्टिस के आप कुछ नहीं चाहते हो। मुझे लगता है आप बहुत गुस्से में हो और दुखी भी हो। आप खुद को हील भी करना चाहते हो। आप चाहते हो जितनी भी परेशानी रिश्तों में है ये सारे परेशानी रिश्तों से चले जाए, और अगर आपने कोई गलती किया है पिछले वक्त तो आप चाहते हो उस गलती से सीखना, दोबारा से गलती नहीं करना चाहते हो। आप एक डीप हीलिंग चाहते हो, अपने अंदर एक परिवर्तन चाहते हो। आप ये चाहते हो कि जो परेशानी
जिसके चलते परेशानी आते हैं रिश्ते में, उस परेशानी को ख़त्म करना, अपने आप को सुधारना, माइंड को कंट्रोल करना, बॉडी माइंड सब चीज़ को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो। बाप रे कितनी भारी फीलिंग्स है आपकी। अभी देखते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। इन 72 घंटे में आपकी पर्सन हो सकता है टीम वर्क करना चाहे, या फिर आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया है या फिर उन्होंने आपको अपमानित किया है, इसीलिए हो सकता है वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। उनको ये पता है कि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए वो खुद की पावर में भी रहना चाहते हैं और वो मेहनत भी करना चाहते हैं, पैसों के लिए भी काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास जो कुछ भी है उससे वो खुश नहीं है। वो किसी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि वो चाहते हैं उनके पुराने दिन वापस आ जाए, पुराने रिश्ते वापस आ जाए, लेकिन वो पुरानी अपमान को नहीं भूल पा रहे हैं और इसके लिए वो किसी की मदद लेनी पड़े तो लेना चाहेंगे। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, किसी की मदद से भी आना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है। हो सकता है कि आपने उनको बहुत कुछ बुरा भला कहा होगा। एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एनर्जी स्वेप होते रहते हैं। हो सकता है जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर रहा है, और जो उनके लिए बोल रही हूँ वो आपके साथ मैच कर रहा है, और जो आपके लिए बोल रही हूँ वो उनके साथ मैच कर रहा है। तो आपको पता है कि एनर्जी किस तरफ का है, मतलब आपकी एनर्जी कौन सी है, तो आप उस तरह से लीजिएगा। इन 72 घंटे में वो एक्शन लेना चाहेगा भी तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है। आपने उनको जो तकलीफ़ दिया है या फिर उन्होंने आपको जो तकलीफ़ दिया है, किसी ने भी किसी को जो परेशान किया है, और उसके चलते जो ईगो है वो उनको रोक रहा है, उनको परेशान कर रहा है। हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है या फिर उन्होंने आपको परेशान किया है, तो उस परेशानी के चलते वो दुखी है। उनको लग रहा है कि अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ या करने भी जाऊँ तो वो मुझसे कोई बात नहीं करेगी, इसीलिए वो किसी की मदद लेना चाहेंगे, मदद लेके बात करना चाहेंगे, लेकिन इसके बाद भी वो सोच समझ के सारी चीज़ों को सही करने के चाहत में भी वो थोड़े रुक जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये वक्त सही नहीं है। जब सही वक्त होगा तब मैं बात करूँगा या करूँगी। देखते हैं यूनिवर्स ही आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। अगर आपको लगता है कि आप में आपकी माइंड में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो, जैसा कि एक्शन के कार्ड में भी आया है कि वो जाना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनको फिर से अपमानित करोगे, तो अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपके पास दो दो ऑप्शन हैं, अगर आप जगलिंग करते हो, तो आपको पहले अपने अंदर क्लैरिटी लानी चाहिए, आपको क्या चाहिए, और इसके लिए अगर आपको थोड़ी रुकना पड़े तो रुक जाइए। अपने आप को अगर काबिल बनाने के लिए मेहनत करना पड़े तो मेहनत कीजिए, और अपने नॉलेज से चीज़ों को देखिए। ऐसा नहीं कि उठा और चल दिए, नहीं, आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हो, कुछ और तरीके से चीज़ों को देखिए, रिश्ते को देखिए, जगलिंग मत कीजिए। अगर आप हमेशा पैसों के पीछे भागते हो तो रिश्ते को भी देखिए। पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है लाइफ में, पैसा तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन अगर आप प्यार में हो तो प्यार को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और आप अपनी काबिलियत पर भी ध्यान दीजिए। आप लोग
फिर आपका जो रिश्ता है वो अपने आप से ही हो जाएगा, क्योंकि प्यार तो है लेकिन ईगो का क्लैश, पैसों की ढोंस ज़्यादा जमाते होंगे। आप लोगों में से कोई एक जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो दिखाते होंगे कि मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास क्या है, तुम मेरे काबिल बन जाओ, इस तरह तरह की बातें जो होते हैं वो रिश्ते में खराबी लाते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अपने आप को काबिल ज़रूर बनाइए, स्टेबल ज़रूर बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, खास करके जिनके साथ हम रिश्तों में हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और माइंड को क्लियर करनी पड़ेगी क्या आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही चाहिए, दोनों एक साथ किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, सही चीज़ों को सोचना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।